What is AgMark? AgMark is a quality certification mark provided by the Government of India, which is under Agricultural Produce Grading and Marking Act 1937. So AgMark क्या है? AgMark एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है. और कौन से एक्ट के अंदर ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क प्रोवाइड करती है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937. फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूरे दुनिया में अगर बोलेंगे तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग होगा, और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया अगर बोलेंगे तो वो MS स्वामीनाथन होगा. एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट असाइन करती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 269 सेज टैक्सेस ऑन इनकम एंड अदर एग्रीकल्चरल इनकम शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स. तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के बारे में जो चर्चा है कौन से आर्टिकल में? 269 में. सो आर्टिकल 269 सेज टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स. तो आर्टिकल 269 बोलता है कि एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ करके बाकी जितने सारे इनकम हैं उन सब पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेगी, लगाएगी और कलेक्ट करेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी यूनियन एंड स्टेट्स में. लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ही लगाई और कलेक्ट करेगी. एंट्री 46 इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल गिव्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्पोज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स. जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है वो इम्पोज करने का ताकत स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? वो दिया हुआ है स्टेट लिस्ट में है. स्टेट लिस्ट के कौन से शेड्यूल में? 7th शेड्यूल में है. और कौन सा एंट्री में है? एंट्री 46. सो एंट्री 46 इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल गिव्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्पोज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स. एंट्री 46 इन द 7th शेड्यूल इन द स्टेट लिस्ट. एंट्री 46 इन द स्टेट लिस्ट इन 7th शेड्यूल गिव्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्पोज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स. हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम आर देयर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961? तीन. हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम आर देयर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961? इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1961. सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कितने एग्रीकल्चरल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं? तीन. देयर आर थ्री एग्रीकल्चरल सोर्सेज ऑफ इनकम. हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम आर देयर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961? थ्री. सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 तीन सोर्सेज हैं. पहला है एनी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लैंड विच इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस. सपोज आपके पास कोई ज़मीन है उसको आपने खेती पे लगा दिया है, मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लगा दिया है, तो उसका तो रेंट आपको मिलता होगा, तो वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम हो गया पहला. दूसरा, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड सो एज टू रेंडर इट टू फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस. तो मतलब कोई भी एक ऐसा इनकम आप निकाल पा रहे हो उस लैंड से, जैसे आप कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर लिए उसके प्रोसेसिंग के लिए, या फिर कहीं पर जा रहे हो, या फिर कुछ रेंट आपको काइंड में मिल जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका सोर्स हो गया दूसरा. तीसरा है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द बिल्डिंग इज सिचुएटेड ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड एंड इज यूज्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस अ स्टोर हाउस एटसेट्रा. सो इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द बिल्डिंग इज सिचुएटेड ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड एंड इज यूज्ड एज अ ड्वेलिंग हाउस स्टोर हाउस और एटसेट्रा. तो जैसे मान लीजिए आपका अपने गांव में ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन खरीद करके वहाँ पे उस पर आपने फार्म हाउस बना लिया है, या फिर उसके बगल में उसके उसी सेम विसिनिटी पे आपने फार्म हाउस बना लिया है या स्टोर हाउस बना लिया है, तो वहाँ से जो कुछ भी अगर आपका इनकम आएगा तो वो भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट होगा. समझ में आ गया आपको? सो तीन सोर्सेस हैं एग्रीकल्चरल इनकम के अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. धन बाई.